सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जिंदगी भर रोएगा। कुछ लोग असफल होने के कारण प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग असफलता से कुछ सीखकर सफलता हासिल कर लेते हैं। हमारा व्यवहार गणित की शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उनकी कीमत बढ़ा देता है। आज का पंचांग 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। सुबह 8:21 तक रहेगी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 9:39 तक रहेगी, इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मीन राशि 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार। अभी आप आत्मविश्वास पूर्ण महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुई कोई हानि आपको आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करेगी। प्रार्थनाएं या ध्यान राहत प्रदान कर सकते हैं। विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। करीबी लोग भ्रमित व्यक्तिगत छड़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। गतिविधियों के बाद आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा। यह शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ एक काम समय पर पूरा करेंगे। सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं है, बल्कि असली हार है उस उम्मीद को खोने में जिनके दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं। रुके हुए कार्य में गति आएगी। संतान से संबंधित किसी शुभ कार्य की भी शुरुआत हो सकती है। आप सहनशीलता तथा धैर्य पूर्वक कार्य को संपन्न करके सफलता प्राप्त करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी उचित समय व्यतीत होगा। किसी गलत निर्णय या ध्यान पूर्वक काम न करने की वजह से बड़े आर्थिक नुकसान का सामना आज हो सकता है, लेकिन इस बात से बाहर निकलने के लिए मार्ग भी आपको तुरंत प्राप्त होगा। खुद के द्वारा हो रही गलतियों को अपना कर खुद को माफ करना सीखें। गलत व्यक्ति पर विचार करने की वजह से काम से संबंधित बातों में कुछ नकारात्मकता नजर आ सकती है। पार्टनर के साथ बेवजह वाद विवाद उत्पन्न होंगे। सावधानियां। ऑनलाइन खरीदारी में आपके साथ धोखा हो सकता है। अपने वाहन की रखरखाव तथा सर्विस कराने पर ध्यान दें। अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड आदि कोई भी दस्तावेज किसी को ना दें। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में किसी नए मेहमान की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलेगी, जिससे घर में खुशनुमा वातावरण व्याप्त रहेगा। विवाहोत्तर प्रेम संबंधों से दूर रहें। कोई घाटा या नुकसान आपके जीवन में उदासी के रंग भर सकता है, इसीलिए धन का व्यय सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में धोखे का मतलब जीवन का अंत ही बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत हो सकता है। आपका हर सपना पूरा होगा, बस पहल करने की जरूरत है। कुछ गोपनीय बैठकें, विचार विमर्श या रोमांटिक रिश्ते आज आपके कार्ड्स में हैं। आपके माता पिता का प्यार आपको हर संकट से मुक्ति दिलाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। प्रेम के रंग को और भी गहरा करने के लिए अपनी बातचीत के कौशल का प्रयोग करें। आज अपने सेहत को भी अनदेखा ना करें। बात करते हैं करियर की। आज आप दान या नॉन प्रॉफिट कामों को करने के इच्छुक हैं। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक नजरिया और कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने ड्रीम देखा है।
शारीरिक समस्याओं से बढ़ने से पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिलिए। पिछले दिनों की तुलना में आज का दिन शांत रहेगा। एक रोमांटिक गठबंधन की भी संभावना है। आज काम की तरफ अधिक ध्यान दें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए चिकित्सक से मिलिए। याद रखें, जीतना सब कुछ नहीं है बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। बात करते हैं सेहत की। आज आप में काम करने की शक्ति थोड़ी कम रहेगी और टकराव भी महसूस करेंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको खुद से उत्साह दिखाना होगा। हिम्मत न हारें, या समय थोड़ी देर के लिए है जिनमें आज मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस करेंगे। आप जल्दी पहले जैसे हो जाएंगे। आज का उपाय, आज आप गरीबों को कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।